तो गाइज अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुका है हमारे ओटीसी रोमन रेंस और हमारे विजनरी सेल्फ फिगर रॉलिंस को लेकर। ये दोनों भाई अपना हील टर्न करने वाले एक बार फिर से WWE में, और इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, रोमन रेंस और सेट रॉलिंस का कब हमें हील टर्न देखने को मिल सकता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और भाई रोमन रेंस और सेट रॉलिंस को लेकर भाई बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है, दोनों का ही हमें हील टर्न एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सेट फिगर रॉलिंस के बारे में कि सेट रॉलिंस का कब हील टर्न हमें देखने को मिलने वाला है। हमें मालूम है सेट फिगर रॉलिंस इतने लंबे समय बाद WWE के अंदर वापस आए और अब वो बेबी फेस बन चुके हैं, उनकी रिवाइवल स्टार्ट हो चुकी है ब्रॉन्सन रीड के साथ। लेकिन 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 अगर आप लोग भाई मेरी बातों पे ध्यान दो तो अगले साल WWE करवाने वाली है सेट रॉलिंस वर्सेस CM पंक, क्योंकि ये काफी बड़ा मैच होगा और ये मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो जब तक सेट रॉलिंस की फ्यूड चलने वाली है ब्रॉन्सन रीड के साथ, तब तक तो सेट रॉलिंस बेबी फेस ही रहने वाले हैं। इनकी रिवाइवल काफी ज्यादा लंबी तो चलने वाली, क्राउन जोल के अंदर शायद इनकी रिवाइवल खत्म हो जाएगी। फिर आप लोग ऐसा मान सकते हो कि जो क्राउन जोल होने वाला है उसके बाद से या फिर हमें रॉयल रंबल के स्टार्टिंग से सेट फिगर रॉलिंस का एक बार फिर से हील टर्न देखने को मिल सकता है जैसा वो पहले हुआ करते थे। तो अगर WWE को सेट रॉलिंस और CM पंक का मैच कराना होगा तो यहाँ पे सेट रॉलिंस को हील बनाना ही होगा मेरे हिसाब से। तो भाई सेट रॉलिंस को हील टर्न बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, बाकी आप लोग बताना आपको क्या लगता है, सेट रॉलिंस को अपना हील टर्न करना चाहिए या फिर वो एक बेबी फेस ही सही है, बताना आप लोग कमेंट करें जरूर से। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में, रोमन रेंस का कब होने वाला है हील टर्न, क्योंकि भाई रोमन रेंस अभी हो चुके हैं बेबी फेस। तो ऐसा भाई अभी रिपोर्ट निकल गए सामने है कि जो रोमन रेंस उनको बहुत जल्दी अपना हील टर्न कर लेना चाहिए। आप लोग सोचोगे भाई रोमन रेंस वापस से हील कैसे बन सकते हैं जबकि भाई रोमन रेंस तो बेबी फेस है। पहले रोमन रेंस हील हुआ करते थे जब उनके पास टाइटल थी, लेकिन अब जब रोमन रेंस टाइटल हार चुके हैं अब तो WWE उनको बेबी फेस बना दिया और अब उनकी फ्यूड भी स्टार्ट हो चुकी है ब्लड लाइन से, तो रोमन रेंस को बेबी फेस ही होना चाहिए। लेकिन भाई रिपोर्ट निकल के सामने उसका कुछ ऐसा कहना है कि जो रोमन रेंस और दोनों सुपरस्टार WWE काफी बड़े सुपरस्टार है, और अगर ऐसे में WWE कोडी रोज को भी बेबी फेस बना के रखेगी और इसी के साथ साथ वो रोमन रेंस को भी बेबी फेस बना के रखेगी तो WWE के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग रोमन रेंस और कोडी रोज दोनों को ही बेबी फेस रख रहे हो तो फिर भाई टॉप हील कौन होगा? ये जो बात है ना बिल्कुल सही है, रोमन रेंस और कोडी रोज दोनों तो बेबी फेस हो नहीं सकते, किसी एक को बेबी फेस रहना होगा और किसी एक को हील बनना होगा, या फिर तो कोडी रोज हील बनेंगे या फिर हमारे ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वापस से हील बनने वाले हैं। और सही में भाई अगर रोमन रेंस हील बन जाते हैं तो क्या ही मजा आ जाएगा रोमन रेंस को देखने में। वैसे भाई आप लोग बताना कमेंट करके आपको क्या लगता है किसको हील बनना चाहिए, रोमन रेंस को या फिर कोडी रोड्स को। तो बस भाई हमारे आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार भी आ रहे हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आप सबसे अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में।